Hello students, how are you all? So Sonal ma'am is again back with one more story. आप सबको स्टोरी बहुत पसंद है ना, तो सोनल मैम आपके लिए आज एक और स्टोरी लाई है। किसकी स्टोरी? दो बिल्लियां और बंदर की। ये दो बिल्लियां और एक बंदर की स्टोरी, राइट? सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। दो बिल्लियां थी जंगल में। ये देखो, जंगल में क्या थी? ये दोनों बिल्लियां थी, और ये दोनों बिल्लियां क्या थी? फ्रेंड्स थी, राइट? मिला उन्हें रोटी का एक टुकड़ा। एक दिन उनको क्या हुआ, रोटी का एक टुकड़ा ना पड़ा हुआ मिल गया। तो पहली बोली मैं खाऊंगी, दूसरी बोली मैं खाऊंगी। ऐसे करके ना दोनों झगड़ा करने लगी कि मैं खाऊंगी, है ना? फिर क्या होता है, झगड़ा सुनकर बंदर आया। इन दोनों की ना ये लड़ाई और झगड़ा सुनकर क्या होता है, ये बंदर आ जाता है। बंदर इनकी ना लड़ाई झगड़े वहां खड़े होकर देख रहा था। दोनों को उसने समझाया। बंदर ने फिर क्या किया, दोनों को ना समझाया। लाओ तोड़कर देता हूं मैं तुम दोनों को एक बराबर। बंदर ने बोला, लाओ अपनी रोटी लेकर आओ, मैं तुम दोनों को क्या करता हूँ, एक बराबर तोड़ कर देता हूँ। उसके लिए बंदर ने क्या किया, एक तराजू लिया और तराजू में रोटी के दो टुकड़े करके रख दिए। जिस तरफ का टुकड़ा थोड़ा बड़ा था, उस तरफ का तराजू नीचे हो गया, तो उसमें से बंदर ने थोड़ा सा टुकड़ा निकाला और खा लिया। फिर दूसरी तरफ का नीचे हो गया, क्योंकि वहां पे रोटी ज्यादा थी, तो उस तरफ से निकाल के उसने खा लिया। नियत थी बंदर की खोटी, एक बराबर करते करते खा गया वो पूरी रोटी। और कैट्स को क्या हुआ, ये बिल्लियों को क्या हुआ, ये सैड हो गए, ये रोने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारी लड़ाई का, हमारे झगड़े का कोई और फायदा उठा लेगा। जैसे यहाँ बंदर ने उठाया, दोनों बिल्लियों ने फाइटिंग करी, तो रोटी किसको मिल गई, बंदर को मिल गई। इसलिए हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, राइट? सो लेट्स रिवाइज अवर स्टोरी वंस अगेन। एक और बार पढ़े स्टोरी को, बट अब मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, ओके? मेरे साथ साथ सब बोले, राइट? दो बिल्लियां थी जंगल में, दो बिल्लियां थी जंगल में। मिला उन्हें रोटी का एक टुकड़ा, मिला उन्हें रोटी का एक टुकड़ा। पहली बोली मैं खाऊंगी, दूसरी बोली मैं खाऊंगी। झगड़ा सुनकर बंदर आया, झगड़ा सुनकर बंदर आया। दोनों को उसने समझाया, दोनों को उसने समझाया। लाओ तोड़कर देता हूं मैं तुम दोनों को एक बराबर। लाओ तोड़कर देता हूं मैं तुम दोनों को एक बराबर। नियत थी बंदर की खोटी, एक बराबर करते करते खा गया वो पूरी रोटी। नियत थी बंदर की खोटी, एक बराबर करते करते खा गया वो पूरी रोटी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगर हम झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, हमारे झगड़े का कोई और फायदा उठा लेगा, राइट? तो इसलिए हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए।